पीएचडी का मतलब होता है डॉक्टर इन फिलोसफी। जनरली पीएचडी हाईएस्ट एकेडमिक डिग्री होती है जिसे आप गेन कर सकते हैं। पीएचडी की खास बात यह है कि इसकी डिग्री आप किसी एक सब्जेक्ट में रिसर्च लेवल तक पढ़ाई करके पा सकते हैं। आप चाहे तो अलग अलग सब्जेक्ट्स में भी पीएचडी कर सकते हैं। डिग्री के मिल जाने के बाद आप यूनिवर्सिटी लेवल पर टीच करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं या फिर उस सब्जेक्ट में बाकी साइंटिस्ट की तरह आप रिसर्चेस भी कर सकते हैं। वैसे तो पीएचडी होल्डर्स में ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंडिया से पीएचडी करने में और अमेरिका से पीएचडी करने में क्या फर्क है, नंबर ऑफ पीएचडी होल्डर्स से लेकर बेस्ट यूनिवर्सिटीज जो पीएचडी की डिग्री ऑफर करती है, इन सभी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। तो मेरे साथ वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त नताशा और आप देख रहे हैं इंडिया टॉप फैक्ट्स। नंबर वन, व्हाट इज पीएचडी। जैसा कि मैंने आपको बताया, पीएचडी का मतलब होता है डॉक्टर इन फिलोसफी। इस डिग्री को सक्सेसफुली फिनिश करने के बाद आपको डॉक्टर का टैग मिल जाता है। एक तरह से ये दर्शाता है कि आपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टरी कर ली है। पीएचडी के कोर्स को कंप्लीट करने के लिए आपको अपने सब्जेक्ट पर रिसर्च पेपर्स लिखने होते हैं जो कि ब्रेक थ्रू इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इंडिया में सबसे पहला डॉक्टरेट डिग्री 1904 में एनोदा प्रसाद सरकार को मिला था। उन्होंने अपनी पीएचडी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से कंप्लीट की थी। 1900s में तीन प्रीमियर इंस्टीट्यूट थे, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। वहीं अमेरिका की 1861 में येल यूनिवर्सिटी ने पहली पीएचडी अवार्ड की थी यूजिन शुलर, आर्थर विलियम्स और जेम्स मॉरिसन विटन को। 1900s के टॉप यूनिवर्सिटीज थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वानिया और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। इनके अलावा भी कई यूनिवर्सिटीज थे। वेकेशन में आप गेम वगैरह तो खेलते ही होंगे, बट आपने कभी अपनी लाइफ में गेमिफाइड बैटल टेस्ट दिया है जहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ कम्पीट कर सकते हैं, लाइव लीडर बोर्ड देख सकते हैं और इतना ही नहीं आप अपना लाइव रैंक भी चेक कर सकते हैं। ये सब पॉसिबल है अन अकेडमी कॉम्बैट से। यहाँ पे अन अकेडमी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा क्वेश्चंस प्रिपेयर किए गए हैं। टेस्ट के बाद इंस्टेंटली आप ये चेक कर सकते हैं कि आप अपने कॉम्पिटिटर के सामने कहाँ स्टैंड करते हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ कॉन्टेस्ट फिनिश होने के बाद डिटेल वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल रहता है जिसे आप अपने करेक्ट और रॉन्ग आंसर का सही सॉल्यूशन भी चेक कर सकते हैं। टॉप रैंकर को 1 करोड़ की स्कॉलरशिप पूल से जीतने का बेस्ट मौका अन अकेडमी प्रोवाइड कर रहा है। बता दें कि ये कॉम्बैट क्लास 6 से 12 के बीच के स्टूडेंट्स के लिए है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, हमारा कोड FACTS10 यूज करके फ्री में एनरोल करें। और हाँ, यही कोड यूज करके आप सब्सक्रिप्शन पर 10% डिस्काउंट भी पा सकते हैं। नंबर टू, नंबर ऑफ पीएचडी होल्डर्स। 2018 में 40,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को पीएचडी लेवल डिग्री मिली थी जिसमें तमिलनाडु लिस्ट के टॉप पे था 5,884 पीएचडीज के साथ। उसके बाद था उत्तर प्रदेश 3,996 स्टूडेंट्स के साथ। नंबर ऑफ डॉक्टरल डिग्रीज में इंडिया की रैंक वर्ल्ड में फोर्थ है क्योंकि इंडिया ऑलमोस्ट 23,000 पीएचडीज हर साल अवार्ड करता है। वहीं यूएसए में ऑलमोस्ट 40 लाख लोगों के पास पीएचडी की डिग्री है और हर साल ऑलमोस्ट 60,000 स्टूडेंट्स को ये डिग्री मिलती है। इस वजह से अमेरिका वर्ल्ड में टॉप रैंक पर है। नंबर थ्री, बेस्ट यूनिवर्सिटीज दैट ऑफर्स पीएचडी कोर्स। इंडिया में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IISc बैंगलोर पीएचडी करने के लिए सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी माना जाता है। ये सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ग्लोबल रैंकिंग में इसका रैंक 185th है। इसके अलावा IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर और IIT कानपुर भी इंडिया में बेस्ट माने जाते हैं। वहीं अमेरिका में पीएचडी करने के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और MIT। ये यूनिवर्सिटीज पूरे वर्ल्ड में टॉप 5 रैंक्स के अंडर ही आती है। नंबर फोर, पीएचडी फीस। इंडिया में पीएचडी करने के लिए एवरेज फीस आपको 10,000 से 50,000 पर एनम के बीच देनी होती है। ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज की फीस इसी के बीच में होती है। मैक्सिमम फी की बात करें तो कुछ यूनिवर्सिटीज में फी 7 लाख तक की भी हो सकती है। पीएचडी की डिग्री कंप्लीट करने के लिए स्टूडेंट्स को ऑन एवरेज 5 से 6 ईयर्स का टाइम लगता है। वैसे तो ये टोटल 3 ईयर्स का कोर्स होता है। वहीं अमेरिका में पीएचडी करने के लिए एवरेज फी $28,000 से $55,000 के बीच देनी पड़ती है जो कि लगभग 22 लाख रुपीज है। अमेरिका में पीएचडी की डिग्री खत्म करने के लिए ऑन एवरेज स्टूडेंट्स को 6 साल का टाइम लग जाता है। नंबर फाइव, हाउ मच डस पीएचडी होल्डर्स अर्न। जो भी लोग पीएचडी की डिग्रीज कर रहे होते हैं उन्हें यूनिवर्सिटी से एक पर्टिकुलर स्टिपेंड मिलता है जो उन्हें हर महीने दिया जाता है। इसके साथ ही उन्हें यूनिवर्सिटी में ही रहने का मौका भी मिलता है। IIT कानपुर में पीएचडी की सैलरीज 25,000 रुपीज मंथली है। वहीं हैदराबाद में पीएचडी को 31,000 की सैलरीज मिलती है। पीएचडी करने के बाद ऑलमोस्ट सभी लोग रिसर्चर्स, प्रोफेसर्स या साइंटिस्ट ही बनते हैं। इंडिया में अच्छे कॉलेजेस के प्रोफेसर्स की एवरेज सैलरी 16 लाख पर ईयर होती है।
वहीं अमेरिका में पीएचडी करने वाले स्टूडेंट्स ऑन एवरेज 15,000 से $30,000 के बीच अर्न करते हैं। ऐसे प्रोफेसर्स जिनके पास पीएचडी की डिग्रीज होती है वह अमेरिका में ऑन एवरेज $97,000 एनुअली अर्न करते हैं। तो दोस्तों, अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं यह हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें।